इंदौर से अयोध्या के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुआ। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को चंदन का टीका भी लगाया गया। इंदौर से अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए सभी भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान बेहद खुश नजर आए। दरअसल अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या दर्शन के लिए जाने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में शहर के सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों के बाद रेलवे ने आज श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात दी। इस ट्रेन के जरिए भाजपा के करीब 1400 कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे। चलो, हम सबने मेहनत करी है, आप सबने की कार सेवा की, सालों साल मेहनत के बाद एक बहुत अच्छा दिन आया और रामलला की स्थापना कर दी। बड़ा मंदिर वास्तव में आप अब देखोगे, अभी भी जो स्वरूप दिख रहा है इससे तो और बढ़ना है। भव्य मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, और मेरा विश्वास है रामलला की मूर्ति जब आप देखोगे ना, आप नहीं जाते हो उसके दर्शन के लिए, वो हंसते हुए आपका स्वागत करते नजर आएगा। इतनी सुंदर मूर्ति बनी है, तो आप सबने जाना है, दर्शन करना है, और वापस आते समय जैसे पहले बोला रामलला हम आएंगे, अब है रामलला हम आए हैं, दर्शन तुम्हारा करेंगे, आशीर्वाद लेके राम राज्य बना के जाएंगे, है ना? ये तो मेरा विश्वास है सबकी मेहनत सफल हो गई है। अभी मुझे ये टीवी वालों को कुछ सोचता नहीं, कुछ तो भी उल्टा पूछते, बोले भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं, जिन जिन के राम में निष्ठा है वो सब जाए, हमने कोई मना नहीं किया है, और सब टिकट खरीद के जा रहे हैं। जिसके निष्ठा है, जिसके मन में राम है, इस पूरे हिंदुस्तान के मन में राम है, किसी को रोक टोक नहीं है, जाओ, क्योंकि वहाँ जाओगे तो राम से कुछ ना कुछ अच्छा आशीर्वाद, अच्छा मार्गदर्शन उसके जीवन से लेकर के ही हर व्यक्ति वापस आएगा, ये मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छे से एक मिनट मिले, दो मिनट मिले, ज़्यादा समय खड़े नहीं हो पाओगे, मगर उस एक दो मिनट में उसके आँखों में देख करके, उसकी मुस्कान रामलला के देख करके धन्य हो करके आओ, और फिर दुगने उत्साह से काम में लगो। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। इस दौरान अयोध्या रवाना हुए सभी श्रद्धालु ट्रेन में भजन और रामधुन गाते हुए नजर आए। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मंदोला सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आप सब लोग ट्रेन में बैठिए, हमारे सभी नहीं दिखाएंगे, आप सभी लोग जय 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 जय। ठीक है ना, जिनके बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं वो एक आस्था यात्रा आज यहाँ से रवाना हो रही है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में आज एक के कई लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पूरे इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के 1400 से अधिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के सभी राम भक्त, अपनी आस्था में हम सबको विश्वास था, और जो संकल्प हमने लिया था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उस संकल्प को हमने पूरा किया है। एक वक्त था जब ट्रेन भरकर, बसें भरकर हम कार सेवा के लिए गए थे, अब कार सेवा के बाद जो संकल्प की सिद्धि हुई है, तो प्रभु श्री राम के दर्शन को हम सब जा रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, और आज के दिन विशेष रूप से वो सब कार सेवक, इनके बलिदान से ये दिन आया है, उनको स्मरण करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। हमारे राम जी एक एक के घर में, आपके राम, हम सबके राम, और इंदौर भी सौभाग्यशाली के हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूजन भी उन्होंने की, और
प्राण प्रतिष्ठा भी राम जी की उन्होंने की, राम जी आ गए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और अभी किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है? रामलला के दर्शन के लिए इंदौर से 1476 लोग यात्रा करेंगे और रामलला जी के दर्शन करेंगे। इंदौर की पूरी 8 विधानसभाओं से हर मंडल से कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष और बूथ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पंजीयन करा है और पंजीयन के आधार पर 1410 रुपए प्रत्येक यात्रियों से भक्तों से लिए गए हैं। भोजन की व्यवस्था उनकी ट्रेन में रहेगी, नाश्ते की व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था सारी ट्रेन में रहेगी और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठहरने की व्यवस्था और भोजन और दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनाई जाएगी। सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है, किसी भी प्रकार का अग्नि यंत्र ट्रेन में नहीं रखा जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था पहले ही कोच प्रमुखों द्वारा कर ली गई है और ट्रेन में बैठते ही कोच प्रमुख सबका एक एक का बैग चेक कर किसी भी प्रकार का व्यसन का कोई सामान अग्नि यंत्र अगर होगा तो उसको लेकर और जब्त किया जाएगा। यहाँ पर पूरे संभाग के हैं या इंदौर के पूरी इंदौर की 8 विधानसभाओं से? गोपाल गोयल, यात्रा संयोजक। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।